المبعوث إلى الأسود والأحمر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا وأكثر. اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على بلد محمد في البلاد اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلة صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سب تعریفیں اللہ کی لا تعداد بے حساب درود و سلام اللہ کے پاک نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاکھوں کروڑوں دعائیں اللہ سے ان علماء ان اولیاء کے لیے جن کی محنتوں کے صدقے اللہ پاک نے پورا پورا دین ہمیں نصیب فرمایا جو ایسے علماء دنیا سے چلے گئے ایسے اولاد دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں فرمائے جو علماء اولیاء زندہ ہیں اللہ ان کو لمبی زندگی نصیب فرمائے اور اللہ ہمیں ان سے فائدہ لینے کی توفیق نصیب فرمائے میں نے گزشتہ جمعہ بات کرتے ہوئے عرض کیا تھا کہ کبھی کبھی اللہ پاک کی صفت باسطیت ایسی چلتی ہے ہوا اس کی ایسی چلتی ہے کہ بندہ مٹی کو ہاتھ لگاتا ہے تو وہ مٹی سونا بن جاتی ہے یہ تار ساری پیچھے سے ہلتی ہے اللہ کی طرف سے
ना को वजीफ़ों का कमाल होता है, ना को तावीज़ों का कमाल होता है, ना को दुआओं का कमाल होता है। असल में तार पीछे से हिलती है, वो जब चाहे हिला दे। बंदा चूँकि कमज़ोर है, कभी कभी समझता है मैं बड़ा खुशकिस्मत हो गया हूँ, पैसा मेरे घर ज़्यादा आ गया। पैसा ज़्यादा आना खुशकिस्मती की अलामत नहीं, बल्कि किताबों में मिलता है कि जिन सहाबाए किराम के घरों में पैसा ज़्यादा आ गया था वो रोने लग जाते थे कि कहीं अल्लाह पाक की आजमाइश तो नहीं आ गई। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में पढ़ा है कि कभी कभी एक एक दिन ने एक एक लाख दिरहम किसी ने हदिया भेजा। हमारी माँ हैं, नबी की घरवाली हैं, अम्मा भी हैं दुआ देंगी, नबी की घरवाली भी हैं दुआ देगी, तो चलो एक लाख दिरहम भेज देते हैं, हदिया है, घर में कहीं काम आ जाएगा। तो किताबों में मिलता है कि वो शाम तक घर में कुछ नहीं होता था, हत्ता कि कभी कभी ऐसे वक्त भी आए कि रोज़ा है, शाम को जब इफ्तारी के लिए बैठे तो जैतून और सूखी रोटी के सिवा इफ्तारी को कुछ नहीं था। तो उस वक़्त खादमा ने कहा, उम्मुल मोमिनीन आज एक लाख दिरहम आया था, अगर हम कुछ घर रख लेते तो इफ्तारी का सामान तो हो जाता। फरमाया, मैं जिस नबी की घरवाली हूँ हमने सीखा ही नहीं घरों में रखना। भाई ये तो बला है, ये तो सांप है, ये तो बिच्छू है, इसको घर में कौन रखे। बंदा समझता है मैं बड़ा खुशकिस्मत हो गया हूँ, दौलत आ गई। नहीं, हाँ अल्लाह पाक की सिफ़ते बासियत की कभी बासतियत की ऐसी हवा चल जाती है, वो नजर करम ऐसी फरमा देता है कभी दुनिया वालों पर, और जो बंदा फिर उस छतरी के नीचे आ जाता है, उस चादर के नीचे आ जाता है, तो वो मिट्टी को भी हाथ लगा दे तो सोना बन जाता है, तार पीछे से हिल रही होती है। और अल्लाह पाक की दूसरी सिफ्त है काबिज होना, बंद कर देना किसी चीज को। तो कभी कभी अल्लाह पाक की इस सिफ्त की हवा भी चल जाती है, बस वो हवा चलती है और इसके सारे दरवाजे बंद हो जाते। बंदा समझता है किसी ने जादू कर दिया। ताजीब तावीज़ों वाले आमिलीन, बस फिर उनको पुट्ठी मत ऐसी देते हैं कि तेरी बहन ने जादू कर दिया, तेरे भाई ने जादू कर दिया, तेरी माँ ने कर दिया, तेरे बाप ने कर दिया, घरों में फसाद मच गया। बंदा तो उसकी मान लेता है, ये बंदा अल्लाह की नहीं मान रहा। अल्लाह कहते हैं इनसे कुछ नहीं होता, ये मैं बंद कर रहा हूं, लेकिन बंदा है चूंकि कमजोर है। ये भी अल्लाह की एक सिफत है। आप यूं समझे कि ये तार भी पीछे से हिलती है। और वो अपने बंदों को कभी आजमाने के लिए, बंदा समझता है मैं बदकिस्मत हो गया, अल्लाह मुझसे खुश नहीं, वो समझता है कि पैसा आना ये अल्लाह की रहमत की दलील है, ना आना ये अल्लाह की नाराजगी की दलील। हदीस में फरमाया गया अगर पैसे का आना अल्लाह की रहमत की दलील होती तो अल्लाह पाक ने जिस दिन से ये सोने जवाहरात बनाए हैं ना, बनाने वाला तो अल्लाह है, अल्लाह पाक ने आज तक उनकी तरफ कभी रहमत की नज़र से देखा ही नहीं। बनाए हैं लेकिन देखा नहीं कि ये क्या है। वो कभी कभी देता है तो ये भी एक आजमाइश हो जाती, और कभी कभी वो लेता है तो ये भी एक आजमाइश होती। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की दो सिफतें और भी हैं। एक अल्लाह की सिफत जलाली है और एक अल्लाह की सिफत जमाली।
اگرچہ اس کی صفت جمال جو ہے وہ صفت جلال پر غالب ہے. جلال کا معنی اللہ کی غصت، اللہ کا جلال، اللہ کا غصہ، یہ اس کی صفت ہے. بندہ کبھی سوچتا ہے کہ اللہ کو بھی غصہ آتا ہے، اللہ کو بھی جلال آتا ہے، یہ اللہ نے صفت کیوں رکھی ہے؟ ہمیشہ یاد رکھیے گا، جس میں غیرت ہوتی ہے نا اس میں جلال ہوتا ہے، جس میں غیرت نہیں ہوتی اس میں غصہ نہیں ہوتا. یہ ایک الگ درس ہے، یہ اللہ نے تقسیم کر رکھا تھا، بانٹ رکھا تھا. کسی نبی پر اللہ کی صفت جلالی چھا گئی تو وہ نبی جلالی بن گئے، اور کسی نبی پر اللہ پاک نے اپنی صفت جمالی کی چادر ڈال دی، اس نبی کے اندر جمال کی صفت آ گئی. صحابہ کرام میں بھی آئی، کسی صحابی پر اللہ پاک نے اپنی صفت جلالی ڈال دی تو وہ جلالی بن گئے، اور کسی پر اللہ پاک نے اپنی صفت جمالی کی چادر ڈال دی، اس کے اندر جمال کی صفات آ گئی. بے عینی اسی طرح یہ علماء میں چلتا ہے، اولیاء میں بھی چلتا ہے. کبھی کبھی ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں کہ کیوں غصہ کرتے ہیں، کیوں جلال آتا ہے. اولیاء سے بھی کہا جاتا ہے کہ کبھی کبھی کوئی اولیاء بڑے جلالی ہوتے ہیں، کہ یہ کیوں جلالی ہیں. جب وہ علماء اولیاء پر وہ اللہ کی صفت جلالی پڑھتی ہیں نا، تو وہ جب غلط کام دیکھتے ہیں تو ان سے برداشت نہیں ہوتا. ہم لاکھ کہتے رہے کہ حضرت ہاتھ ڈھیلا رکھو، وہ ڈھیلا نہیں رکھ سکتے، اور یہ ان سے کہنا بھی غلطی ہوتا ہے. اور کبھی کبھی آپ ہی کی طرح علماء اولیاء پر بھی اللہ کی صفت جمالی کی ہوا ایسی چلتی ہے. دیکھیں جب گرم ہوا چلتی ہے تو بھی سارے اس کا شکار ہو جاتے ہیں، جب ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو بھی سارے اس کے مزہ لیتے ہیں. وہ اگر گرم ہوا نہ چلاتا تو کھیت کھلیان تیار نہ ہوتے، اگر ٹھنڈی ہوا نہ چلاتا تو فروٹ تیار نہ ہوتے. یہ اللہ پاک کی قدرتیں ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو گرم ہوا سے پکتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ٹھنڈی ہوا سے پکتی ہیں. اللہ پاک اگر یہ چیزیں نہ رکھتا تو آپ کھاتے پیتے کیا؟ بندہ ہے نہیں سمجھتا، میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، اللہ اللہ بھی کرتا ہوں، پھر بھی اللہ پاک میرے اوپر رزق کے دروازے بند کر دیتا ہے. بھائی تار ادھر سے ہلتی ہے، تار ادھر سے ہلتی ہے. میں نے جن استادوں سے پڑھا، کئی استاد ایسے تھے جو جلالی تھے، اور کئی استاد ایسے تھے جو صفت جمالی والے تھے. یہ اللہ پاک بندوں میں تقسیم رکھتا ہے. کہتے ہیں نا کہ بجلی بھی اس وقت، یہ بلب بھی جب روشن ہوتا ہے جب ٹھنڈی اور گرم دونوں تارے ملتی ہیں. نہ صرف ایک گرم تار کام کرتی ہے، نہ صرف ایک ٹھنڈی تار کام کرتی ہے، دونوں ملتی ہیں تو بلب جلتا ہے. یہ دنیا کے ہر نظام کے اندر ہے. اللہ میں جلال کیوں ہے؟ کہ اللہ حیا اور غیرت والا ہے. حیا اور غیرت والے بندے کو غصہ آتا ہے. بلکہ جس بندے کو دین کی بات پر غصہ نہ آئے تو وہ سمجھے کہ میں بے غیرت تو نہیں ہو گیا ہوں، بے حیا تو نہیں ہو گیا ہوں کہ میرا غصہ مر گیا. یہ دنیاوی چیزوں میں نہیں. یہ جو میری ایک بات چل رہی تھی کتنے جمعوں سے، تحمل، مزاجی، حوصلہ اور صبر، یہ دین کی باتوں میں نہیں، دنیا کی باتوں میں ہمیں حکم ہوتا ہے. دین کی بات میں تو کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے ڈنڈا چلاؤ. اگر ڈنڈا نہیں چلا سکتے ہو تو پھر زبان چلاؤ، اگر زبان بھی نہیں چلا سکتے ہو تو پھر دل میں کم از کم اس کام کو برا جانو. یہ تین چیزیں ہیں.
अभी ज़माने में आप और मैं डंडा चला नहीं सकते, और दूसरा काम भी आप और मैं नहीं कर सकते कि अपनी ज़ुबान को चलाएं। तो तीसरा काम आप और मैं आसानी से कर सकते हैं, चूँकि हम कमज़ोर हैं, कि कम से कम दिल में उस काम से हम नफरत करें। अच्छा, मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत पर चूँकि बड़े मेहरबान थे, कुरान कहता है, तो आपकी मेहरबानियों की ऐसी ऐसी मिसालें मिलती हैं। फरमाया कि अगर कभी अपने ऊपर अल्लाह की सिफ़त जलाली का असर देखो, गुस्सा बहुत आता है दुनिया के मामलात में, दीन के मामले में गुस्सा करना वाजिब और फर्ज हो जाता है। मेरे सामने एक बंदा दीन की तार काट रहा है और मैं बेहया बन के साथ से गुजर जाऊं, उसे रोकूं भी नहीं, तो मुझसे बड़ा बेहया बेगैरत बंदा कोई नहीं है। दीन दोनों चीजों का नाम है, जलाल भी है और जमाल भी है। आप निरे इतने मीठे ना बन जाएं कि हर कोई आपको खा जाए, और ना आप इतने सख्त बन जाएं कि हर बंदा आपसे दूर चला जाए। भाई, अगर घर में भी सख्ती करोगे ना तो बच्चे भी दूर चले जाते, और अगर बहुत नरम हो जाओगे तो सर पे सवार हो जाते। एक आम मिसाल हमारे यहाँ मशहूर होती है कि सोने का नवाला खिलाओ लेकिन देखो शेर की आंख से। ये सही है या गलत है, ये बहरहाल ये आइंदा कभी सही, लेकिन इतना ज़रूर हमें समझाया जाता है। खैर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल फातिहा तो तमनाउ गज़बर रब्ब, ये सूरह फातिहा की तिलावत जो है, इसको पढ़ना और सुनना, ये दोनों तिलावत में आता है। कभी कभी तिलावत जुबान से भी होती है मौलाना, कभी कभी तिलावत जो है वो कानों से भी होती है। बाज जानवर वैसे हैं कि जिनको अल्लाह ने कान नहीं दे रखे, वो ज़ुबान से सुनते हैं। बाज ऐसे भी हैं जिनकी आंखें नहीं होती, उनके कानों से वो सब कुछ देख लेते हैं, ये क्या हो रहा है। ये दोनों चीज़ें चलती हैं मेरे अल्लाह की मेहरबानी है। ये बंदे पर उसका करम है ख़ास कि उसने बंदे को दो कान दिए हैं, दो आँखें दी। किसी जानवर को अल्लाह पाक ने दो हाथ खाने को नहीं दिए, वो खुरली में मुंह डाल के खाता है। ये बंदा वो जानवर है कि जिसको अल्लाह ने दो हाथ दिए। नाराज ना होना, जानवर कहते हैं उसे जिसमें जान होती है। ये नहीं कि सिर्फ वो जानवर है, अरबी में इंसान को भी हैवान कहा गया है। मैं अगर आपको हैवान कह दूं तो आप नाराज़ हो जाएंगे, कुरान ने कहा ये सारे हैवान हैं। हैवान हयात से बना है, जिसके अंदर ज़िंदगी हो वो हैवान है, ज़िंदा है। बस ज़ुबानों का फ़र्क हो जाता है। फिर आगे फ़र्क रखा गया, एक हैवान वो होता है जो हींगता है, एक हैवान वो होता है जो रोता है, और एक हैवान वो होता है जो बोलता है, एक हैवान वो होता है जो मुंह से खाता है कुरली के अंदर मुंह डाल ऐसे सर को झुकाकर, और एक हैवान वो होता है जो हाथों से खाता है। सुन्नत मुझे याद है, याद करता चलूं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाना खाने बैठते थे तो आप दोनों गोड़ों को खड़ा करके बैठ जाते, कुर्सी पे बैठकर खाना मना नहीं, याद रखना। खाना मना है टेक लगाकर बैठकर खाना, सोकर खाना। हाँ, कोई बीमार है, मरीज है, वो अलग चीज है, गद्दे पे तकिए पे ऐसे बैठा है खा रहा है, समझे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे खाने से मना फरमाया। खाना
शुक्र के तौर पर खाया जाता है, अकड़ के नहीं खाया जाता। एक गोड़े को खड़ा रख के खाना खाने बैठना ये भी सुन्नत में है, दोनों गोड़ों को खड़ा करके खाने में बैठना ये भी सुन्नत में दाखिल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे मैं अल्लाह का गुलाम बन के, उसका बंदा बन के और नौकर बनकर बैठना चाहता हूँ खाते वक्त, कि ये मेरे रिस्क, अल्लाह ने मुझे रिस्क दिया है, इस रिस्क की इज्जत करनी है। इसलिए कि ये रिस्क राजिक का दिया हुआ है, जिस तरह राजिक की इज्जत है उसी तरह उसके दिए हुए रिस्क की भी इज्जत करनी है। अल-फातिहा, तवज्जो से मेरी बातें सुनिएगा। मैं हर जुमे बड़ी तैयारी करके आता हूँ आप हजरात को कुछ समझाने के लिए, और ख़ास तौर पर अपने आप को समझाने के लिए कि हमारे पल्ले कुछ पड़ जाए। अल-फातिहा तो तमनाउ गज़ब रब्बे, फातिहा जो है ये तेरे रब के गज़ब को रोक देती है। कभी कभी बंदे पर अल्लाह की सिफ़त जलाली छा जाती है। गुज़श्ता जुमा मैंने कहा था कभी कभी सिफ़त बासतियत छा जाती है, अल्लाह का जलाल आ जाता है, चादर अल्लाह के जलाल की आ जाती है, जलाल की गर्म हवा चलने लग जाती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो दुनिया हो, कब्र हो या आखरत हो, तीनों मंजिलों में सूरह फातिहा अल्लाह के गुस्से और गज़ब के सामने दीवार बन जाती है। अब आप कहेंगे कि साहब हम तो नमाज में पढ़ते हैं, नमाज एक अलग अमल है। जैसे आजकल टीवी पे बैठे होते हैं एंकर, ये कुर्बानी क्या है, इसके पैसे अस्पताल में दे दो, फलां जगह पे दे दो, एनजीओ वालों को दे दो। भाई वो पैसे देना अलग अमल है, कुर्बानी एक अलग अमल है, मिक्स नहीं करो इन चीजों को। अगर ये एक होती तो हुजूर भी यही कह देते ये एक है कोई बात नहीं ना। कुर्बानी इंसान के अंदर कुर्बानी का जज्बा पैदा करने का अलग अमल है। खैरात सदकात जकात ये अलग अमल है। नमाज में फातिहा को पढ़ना एक अलग अमल है, वैसे फातिहा को पढ़ना एक अलग अमल है। कभी कभी आप पर भी घर के अंदर सिफ्ते जलाली की चादर तन जाए, गुस्से में आप आ गए हैं, सूरह फातिहा की तिलावत शुरू कर दो। और कभी कभी अल्लाह की सिफ्ते जलाली भी बंदे को बंदा बना देती है, वो जमाली से बंदा नहीं बनता, जलाली से बंदा बन जाता है। और कभी कभी जलाली से बंदा नहीं बनता, बंदा जमाली से बंदा बन जाता है। ये अल्लाह की दोनों सिफ्ते हैं। बद्दुआ किया करें अल्लाह जलाली भी दे जमाली भी दे, लेकिन अल्लाह इंसाफ कायम रखने की तौफीक दे दे। इसलिए कि जिसके अंदर सिफ्ते जलाली नहीं होता वो बेहया बेगैरत होता है। मेरा अल्लाह बाहया बागैरत है, वो गैरतों का समंदर और पैदा करने वाला है। जितनी गैरत मेरे अल्लाह के अंदर है किसी में नहीं। और अल्लाह पाक ने हर नबी को गैरत वाला बनाया है, हर आलिम को अल्लाह पाक गैरत वाला बनाता है, हर मुसलमान को अल्लाह पाक गैरत वाला बनाता है। जब मुसलमान के अंदर से गैरत निकल जाए वो मुसलमान समझे कि मेरा ईमान कमज़ोर हो गया। इसलिए कि ये अल्लाह की सिफत है। एक अल्लाह के वली गुजरे हज़रत ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह, ये सुल्तान महमूद गजनवी के पीर थे। बहुत बड़े अल्लाह के वली हज़रत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के ये रूहानी खुलफा में से हज़रत
अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह, ये ईरान के इलाके में खरकाना था। एक मुरीद उनको मिलने आया तो चला गया घर के, हजरत घर होंगे तो दरवाजा खटखटाया तो बीवी ने कहा वो घर नहीं। मुरीद को चिचड़ सा था, आगे पूछने लगा कहाँ गए हैं, तो बीवी पर बड़ी सिफते जलाली थी, वो कहने लगी पत्नी बाहर किधरे मर्द होना है, जा बाहर वे घर की एक दफा कह देता घर नहीं। वो चिचड़ फिर पूछने लगा, उन्हें कहा तेरे पीर दी भी ऐसी दी तैसी ते तेरी भी ऐसी दी तैसी, वो कोई पीर है जिन्हों पूछना है। वो मुरीद हैरान के इतना बड़ा पीर और घर में हालत ये है। अब वो पीर को ढूंढने जंगल में निकला तो देखा पीर साहब शेर पे सवार आ रहे हैं, शेर पे सवारी किए हुए, पीर इतना बड़ा है। सवारी को रोका, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम, कैसे आयो? कहने लगे जी ये कैसे आना तो बाद में बताऊंगा, हजरत थोड़ी कारे चे इज्जत है, कैसे गुजारा करते? फरमाया कि इसी औरत के इस जलाल को बर्दाश्त कर जाने की बरकत से अल्लाह ने मुझे वली बनाया। ये दोनों तारें बंदे में भी होती हैं, घरों में भी होती हैं, कोई जलाली है कोई जमाली है। मेरे चार बेटे हैं, किसी की सिर्फ जलाल वाली है, किसी की सिर्फ जमाल वाली है, कोई ठंडा है कोई गर्म है। आप में से भी कोई ठंडा पानी पसंद करता, कोई गर्म पानी पसंद करता, कोई ठंडी रोटी पसंद करता, कोई गर्म रोटी पसंद करता, ये तकसीम खुदाबंदी है। कहा कि भाई ये मेरा पीर बनना मेरा वली बनना इसी औरत का सदका। हजरत ख्वाजा जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं हिंदुस्तान में, नक्शबंदी बुजुर्ग थे। हजरत ख्वाजा नूर मोहम्मद बदायूनी रहमतुल्लाह अलैह के खुलफा में से थे और ये मुग़ल ख़ानदान के थे, औरंगज़ेब आलमगीर के रिश्तेदार थे। इनका नाम भी जाने जाना औरंगज़ेब आलमगीर ने रखा था। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में अल्लाह की सिफ़त जमाली को अगर देखा है तो इस बंदे के अंदर देखा है कि इस बंदे जैसा मीठा और ठंडा मैंने दुनिया में बंदा नहीं देखा। लेकिन कभी कभी वो ईमान वाला जलाल भी आ जाता था जो दीन की बातों पे हर मुसलमान को आना चाहिए। जिस बंदे को दीन की बात पर गुस्सा नहीं आता वो बेहया बेगैरत है, याद रखना मेरी इस बात को। घर में बच्चे नमाज नहीं पढ़ते आप चुप कर जाए, ना ना ना, बीवी नमाज नहीं पढ़ती आप चुप हो जाओ, ना, कहना है। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया हदीस है, 10 साल का बच्चा हो जाए नमाज नहीं पढ़ता तो थप्पड़ मार के नमाज पढ़ो। ये पाक नबी की बात है, जिस मेरे पाक नबी ने कभी किसी को थप्पड़ नहीं मारा, वो पाक नबी कह रहे हैं, जोर से कह दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अगर 10 साल का बच्चा या बच्ची नमाज नहीं पढ़ते तो मां बाप अगर थप्पड़ भी मारकर पढ़ाएं तो उसे चाहिए कि थप्पड़ मार के नमाज पढ़े, इसलिए कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। और अगर आप छोड़ दो तो मेरे दोस्तों फिर रोते रहो, रोते रहो। मेरे घर में, जिस घर में मैं बड़ा हुआ, आज तक फजर की नमाज पढ़ के सोना मेरे घर में हराम है, कोई नहीं सो सकता। मां बाप ने तरबियत ही ऐसी की,
इजाजत ही नहीं थी फजर के बाद सोने की। पुराने वक्तों में अपने अब्बा के सामने तो कोई सिगरेट ही नहीं पीता था। आप आज बेटे को साथ बिठा के अगर सिगरेट पी रहे हैं, साथ बिठा के शराब की बोतल पी रहे हैं, साथ बिठा के आप फिल्म दिखा रहे हैं, फिर रोओगे तो नहीं क्या होगा? गलती तो हमारी अपनी है। ये अल्लाह की दोनों सिफात चलती है। कहते हैं कि एक दिन औरंगजेब आलमगीर हजरत जाने जाना रहमतुल्लाह को मिलने आ गया। घर में ना कोई नौकर था ना कोई खादिम था। अब बादशाह सलामत भी अकेले आए, थोड़ी देर बैठे रहे तो कहने लगे खाजा पानी पीना है, कहा वो मटका पड़ा है जाके पी लो। अब बादशाह सलामत खुद उठे, मटके से पानी भरा, पिया। अब कहा इस प्याले और गिलास को वापस रख दो जिस जगह से उठाया है। अब रखा तो वो टेढ़ा रखा, सीधा नहीं रखा। जब बादशाह सलामत जाने लगे तो कहा ख्वाजा अगर इजाजत दें तो किसी खादिम को भेज दूं, आपके पास तो खादिम भी कोई नहीं। तो कहा बादशाह सलामत रहने दे, जिस बादशाह को गिलास रखना नहीं आया उल्टा रख दिया तो तेरा खादिम भी क्या करेगा, उसे भी सीधा रखना आता होगा। जो बादशाह प्याला सीधा ना रख सके। अब मैं अगर किसी अपने बच्चे से कहूं कि खुद उल्टा रखता हूं, मैं किसी को कहूं सीधा कर दे तो मेरी कौन माने? कभी कभी कहने से भी बात नहीं बनती, करके दिखा दो बात बन जाती। अल फातिहा तो तमना गज़बर रब, फातिहा अल्लाह के गजब को ठंडा कर देती। सिर्फ नमाज में नहीं, मैंने कहा कि कभी कभी सुनना भी पढ़ना होता है। अच्छा, कभी कभी एक बात याद रखना आज मसले की है, कभी कभी पढ़ने से इतना सवाब नहीं मिलता जितना सुनने से मिल जाता है। मैं जो कह रहा हूं ना आपसे, मुझसे ज्यादा सवाब आपको मिलता है जो आप सुन रहे हैं, इसलिए कि मेरी ड्यूटी है। मैं जो कह रहा हूं आपकी ड्यूटी नहीं है। आप अपना वक्त निकाल कर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में आए हैं कि मेरे पल्ले कुछ पड़ जाए, मैं कुछ सीखाऊं। आप सीखने की नीयत से आए हैं, और जब बंदा सीखने की नीयत से चलता है तो हदीस के अंदर फरमाया गया अल्लाह फरिश्तों से कहता है इसके पैरों के तले जाकर नूर के पर बिछाओ, इसलिए कि ये बंदा मेरे दीन को सीखने जा रहा है। मुझे इतना सवाब नहीं मिलता जितना आपको मिलता। उस्ताद क्लास में बैठा पढ़ा रहा होता है, ये शरीयत के मसाइल हैं। कभी कभी उस्ताद से ज्यादा शागिर्द को सवाब मिलता है। हजरत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह, मैंने अगले दिन भी शायद कहा था, वो तकरीरें नहीं करते थे। घंटा घंटा, दो दो घंटा पब्लिक बैठी है, लाखों का मजमा है, हजरत बैठे हैं, कोई चीख उधर से निकल रही है, कोई चीख उधर से निकल रही है, कोई चीख उधर, किसी यहाँ वजद है वहाँ वजदा रही है, चुप करके बैठे रहते। बस एक लफ्ज आम तौर पर बोल दिया करते थे, बाबा कब्र की तैयारी कर लो, कब्र बड़ी मुश्किल है। बस लोगों की चीखें निकल रही। करके दिखा दो। अच्छा, वो अल्लाह के गजब और जलाल की हवा दुनिया में भी चलती है। मैंने पहले कहा कि अगर गर्म हवा ना चले तो कितने खेत हैं जो पकेंगे नहीं। एक हदीस के अंदर आता है, एक दिन जहन्नम ने अल्लाह से कहा, अल्लाह भर गई हूं, सांस लेना चाहती हूं। अल्लाह ने कहा सांस ले ले, वो भी सांस लेती है। ये जो दरख्त हमें ऑक्सीजन देते हैं ये सांस लेते हैं।
ये जिंदा होते हैं। दुआ करें जिंदगी रहे, कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको जंगल की सैर कराऊं कि दरख्त कैसे अल्लाह को याद करते हैं, कैसे अल्लाह का जिक्र करते हैं। हदीसों में ये चीजें मिलती हैं। हमारा सांस लेना, तवज्जो देना, ये दरख्तों की बरकत से होता है। अब तफसील नहीं कि मैं उस पर अर्ज करूं, जहन्नम ने कहा अल्लाह मैं सांस लेना चाहती हूं, थक गई हूं। अल्लाह ने कहा ले ले। ओहो, पता नहीं को दुखों भरी बैठी थी उस टाइम जहन्नम, गरम सा। ओहो, तो हदीस में आता है जहां जहां उसकी वो गरम हवा सांस की चलती गई, उन मुल्कों में अल्लाह पाक ने गर्मी कर दी। फिर थोड़े दिन गुजरे तो कहने लगी अल्लाह अब मैं बड़ी खुश हूं, चाहती हूं खुशी का सांस ले लो। अल्लाह ने कहा ले लो। अब उसने खुशी का सांस लिया तो ठंडी सांस निकली, जहां जहां वो हवा जाती गई उसके सांस की, वहां वहां अल्लाह पाक मौसम को ठंडा करता चला। ये दोनों नेमतें हैं अल्लाह की। अगर वो गर्म सांस ना लेती तो पता नहीं क्या होता, अगर वो ठंडा सांस ना लेती तो पता नहीं क्या होता। सूरह फातिहा अल्लाह के जलाल और गुस्से के सामने दीवार बन के खड़ी हो जाती, नहीं आने देती। कभी घर बैठकर, कभी दुकान पे बैठकर, कभी मुलाजमत पे बैठकर, कभी दफ्तर में बैठकर, आते वक्त भी एक दफ़ा फातिहा पढ़ लो, जाते वक्त भी फातिहा पढ़ लो, अल्लाह पाक पूरी वो अपने जलाल और गुस्से की हवाओं को ठंडा कर देता। कहते हैं कि एक आदमी आया, हदीस में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर सवाल करता है, आप रोजे कैसे रखते हो, आपको गुस्सा आ गया। हालांकि सवाल करना इल्म को बढ़ाता है, तवज्जो देना मेरी इस बात पर। इल्म बढ़ता कैसे है बंदे का, उस्ताद से सवाल करो, लेकिन सवाल सीखने के लिए करना है, जिद में नहीं, उस्ताद को नीचे दिखाने के लिए नहीं, आलिम की बेइज्जती करने के लिए नहीं, इमाम की बेइज्जती करने के लिए नहीं। बस जाहिल लोग ऐसे हैं घर में बेइज्जती जेवर पढ़ के आ जाते हैं, अच्छा आज मैं अपने उस्ताद जी दर जाके इम्तिहान ले सकता। हमारे यहाँ एक आदमी होता था, वो घर में बेइज्जती जेवर पढ़ के आ जाता था तो मस्जिद में आकर उस्ताद जी है मसला की में। अब हर वेले तो उस्ताद जी को भी याद नहीं होता, अब आगे से उस्ताद जी पे तो हनु की पता, मैं हल चलाना जट बंदा लेकर ना वो मसला मैं तो हनु दसना। अब बाद में एक दिन उसकी बीवी ने कहा कि ये घर में ये सोच के जाता है आज मौली साहब को तंग कैसे करना, वरना तो कुरान कहता है फस अलू अहल जिक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम कुछ नहीं जानते तो सवाल करो, सवाल करना नबियों की सुन्नत है कि नबी एक एक बात अल्लाह से पूछते हैं, सवाल करने के भी तरीके होते हैं, इस्लाम ने अदब सिखाया। तो ऐसे ही आता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, आप कैसे रोजे रखते हैं, हुजूर को जलाल आ गया कि नबी से सवाल करने का अदब और तरीका भी नहीं आया इस बार। मेरा शागिर्द है, इतना अरसा हो गया मेरे साथ रहते हुए, इसे तमीज ही नहीं कि सवाल नबी से कैसे किया जाता। चेहरा मुबारक सुर्ख हो गया। अब हजरत उमर की नजर पड़ गई, ये जो हमराज नबूवत थे लोग, सांस सांस पे नबी के साथी थे, कदम कदम पे नबी के समझ गए, अब जोर जोर से कहने लगे रजीना बिल्लाह रब्बन व बिल इस्लाम दीना व बि मोहम्मद नबी, हम अल्लाह पर बड़े राजी हैं कि अल्लाह ने हमारे लिए इस्लाम को दीन के तौर पर पसंद किया है। और हम अल्लाह पर बड़े राजी हैं कि अल्लाह ने मोहम्मद मुस्तफ़ा जैसा नबी हमें दी, कह दो सुभान अल्लाह। अब वो कहीं 21-20 दफ़ा हजरत उमर कह रहे हैं,
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्सा ठंडा हो गया। आलिम को भी गुस्सा आता है, नबी को भी गुस्सा आता है, अल्लाह को भी आता है, मेरी और आपकी अम्मा को भी आता है, अब्बा को भी आता है। शरीयत में मना नहीं। मैंने पहले कहा कि जिस गुस्सा अल्लाह की सिफात में से एक सिफत है, लेकिन दीन के मामले पे गुस्सा आना ये बेहयाई और बेगैरती। अगर किसी को दीन के मामले पर गुस्सा नहीं आता, दुनिया के मामले पर गुस्सा आता है, तो फिर शरीयत कहती है सबर, हौसला, तहम्मुल, मिजाजी। अब हजरत उमर, सवाल वही है जो वो कर रहा था, लेकिन लफ्ज बदलते, तरीका बदलते। अर्ज किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, या रसूल अल्लाह, जोर से कह दें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई बंदा हमेशा रोजे रखे वो बंदा कैसा है? फरमाया गलत है। वो क्या रोज़ा, वो क्या इफ्तार जो बंदा हमेशा रोज़ा रखे? कोई रोज़ा नहीं। फिर अर्ज किया रसूल अल्लाह, ज़ोर से कह दें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई बंदा दो दिन रोज़ा रखे, एक दिन इफ्तार कर ले, महीने में 30 दिन है, 20 दिन रोज़ा रख ले, 10 दिन इफ्तार, हुज़ूर ने फरमाया किसके अंदर ताकत है? इतनी ताकत तो अल्लाह ने मुझे भी नहीं दी। ये भी बेकार है ना, रोज़ा रखना अल्लाह के यहाँ फ़ायदा मंद, ना इफ्तार करना फ़ायदा मंद। फिर हज़रत उमर, बात वही थी जो वो कह रहा था, लेकिन तरीका बदल रहा। अर्ज किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह, ज़ोर से कह दें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई बंदा दो दिन इफ्तार करे, एक दिन रोज़ा रखे, उसके बारे में आप क्या फरमाएं? इरशाद फरमाए, ये मुझे पसंद तो है, लेकिन मैं अपने लिए भी इसको अपने ऊपर लागू नहीं करता, इसलिए कि अगर मैंने लागू कर लिया तो मेरी उम्मत भी मेरी सुन्नत पे अमल करने लग जाएगी, तो मेरी उम्मत बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगी। मैं अपनी उम्मत को मुश्किल में नहीं डालना चाहता। नहीं। अब हजरत उमर कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई बंदा एक दिन रोजा रखे, एक दिन इफ्तार कर ले, तो फरमाया भाई ये भी अल्लाह ने हजरत दाऊद को ताकत दे रखी थी, वो तो लोहे के सरिये को ऐसे मोड़ देते थे। किसके अंदर इतनी ताकत है एक दिन रोज़ा रखे, एक दिन इफ्तार करे? फिर अर्ज किया अल्लाह के रसूल, फिर कैसा करें? इरशाद फरमाया, अगर को रखना भी चाहता है तो हर महीने की चांद की 13, 14, 15 को रोज़ा रख ले। अगर कोई इससे भी आगे रखना चाहता है तो ज़िलहज की 9 को, जो हज का दिन होता है, रोज़ा रख ले। और अगर कोई इससे भी आगे बढ़ना चाहता है तो आशूरे के दिन का रोज़ा रख ले। बाबा बस इतनी ही ताकत है। हाँ, अगर किसी ने नफली रोज़े की वैसे नियत कर ली या मन्नत मान ली, लेकिन याद रखो, नफली रोज़ा रखा, दोपहर को किसी दोस्त ने कहा या घरवाली ने कहा मेरे साथ खाना खाओ, तो शरीयत कहती है नफली रोज़े को उसकी खातिर तोड़ दो, उसका दिल रह जाए। फ़र्ज़ रोज़ा तो नहीं तोड़ सकते हो, लेकिन नफली रोज़ा बीवी के कहने पर भी तोड़ सकते हो। सवाल करना शरीयत में हुक्म है, पूछो अगर नहीं जानते। अच्छा, बाज मौलवी ऐसे हैं, उन्होंने यहां भी मसला निकाल रखा है, भाई पूछोगे तो मुशरिक हो जाओगे, इसलिए कि बंदे से पूछना ये तो बंदे की तकलीद हो गई, उसकी मान के चलोगे, मान ली तो अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की है। अब फिर बंदा रोज जाए सुबह शाम मक्के, अल्लाह से वहां पूछे काबे के दरवाजे पे खड़ो होके, फिर मदीने चले जाए, फिर रोजा रसूल पे खड़े होकर पूछे मैं क्या करूं? उन्होंने कहा है उलमा से पूछो, हमारे पास आने की जरूरत नहीं, उलमा से पूछो। ये कहते हैं उलमा से पूछोगे तो बिदती हो जाओगे, मुशरिक हो जाओ, उलमा का क्या काम है? सवाल करना हुस्न है दीन का, सवाल से बंदा इल्म सीखता है और इल्म इसी का नाम है। इल्म में 3 हर्फ हैं, यह लफ्ज एक है इल्म, लेकिन इसमें हर्फ 3 हैं, एक ऐन है, एक लाम है, एक मीम है। ये छोटा सा है लेकिन सारा कुछ इसी के अंदर। मौत भी 3 हर्फी लफ्ज है, मीम वाओ थे, छोटा सा है, लेकिन अगला जहान सारा कुछ इसे एक छोटे से लफ्ज के अंदर है। और ये दुनिया, कबर, आखरत, हर शय इस छोटे से 3 हर्फी लफ्ज इल्म के अंदर जमा है।
आदत की है, लाम अल्लाह की है, मीम मोहम्मद की है। इल्म उसे आता है जो अल्लाह और मोहम्मद को अपनी आदत बना ले। अपना ओढ़ना बिछोना इन दो को बना ले, अपना सब कुछ इन दोनों को समझ ले। इल्म है, लेकिन इल्म में अगर अल्लाह और उसका रसूल नहीं, वो बंदा परले दर्जे का पागल बन जाता। ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी लानती क्यों बना? बड़ा पढ़ा लिखा था। बाज उसकी किताबें ऐसी हैं, मौलाना भी नाम नहीं सुना होगा अभी तक, 50-60 उसकी किताबें हैं, ऐसी ऐसी लिखी उसने। एक अलामा फैजी गुजरे, उसका इतना बड़ा इल्म था कि उसने कुरान की तफसीर लिखी और तफसीर में ऐसे हर्फ इस्तेमाल किए कि जिन पर कोई नुक्ता नहीं। आप एक खत लिखें और कोशिश करें कि मैं नुक्तों के बगैर इसमें खत में हर्फ लिख दूं, आप नहीं लिख सकेंगे, मैं भी नहीं लिख सकूं। लेकिन वो परले दर्जे के गुमराह हुए, वो भी और वो भी, इसलिए कि उस इल्म में उन्होंने अल्लाह और रसूल को अपने ऊपर सवार नहीं किया। इल्म एक घोड़ा है, अगर जिसने इस पर सवार होना है तो इसकी मुहार, इसकी वो जो क्या होती है नकेल, जिससे घोड़े को चलाते हो, वो अल्लाह और उसके रसूल होते हैं, जिससे बंदा कंट्रोल आते हैं। ये ब्रेक वाली चीजें हैं, बंदा गुमराह हो जाता है जिसने अपने ऊपर अल्लाह और उसके रसूल को सवार नहीं किया। अब आइए मैं अपनी बात की तरफ आता हूं। फातिहा अल्लाह के गजब और गुस्से को रोक देती है। फातिहा है क्या? नमाज में आप पढ़ते हैं, ये अल्लाह की तारीफ है। दुनिया में भी आप पर को बंदा नाराज हो जाए तो सामने से उसकी तारीफ शुरू कर दो तो वो ठंडा हो जाता। और ये दुनिया की तारीफ तो चापलूसी की है, अल्लाह की तारीफ चापलूसी की नहीं, वो तो तारीफ ही हकीकत है। हदीस के अंदर फरमाया गया, तवज्जो दीजिएगा मेरी बात पर, बंदा जब कहता है ना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह फरिश्तों से कहता है देखो मेरा बंदा कैसे मेरी तारीफ कर रहा है, हमीदनी अब्दी, मेरा बंदा मेरी तारीफ कर रहा। जब वो कहता ना अर्रहमान, ये तीन हिस्सों में तकसीम है सूरह फातिहा। फरमाया कुछ हिस्सा ऐसा अल्लाह कहते हैं वो मेरे लिए है, कुछ हिस्सा ऐसा है जो मेरे और मेरे बंदे के लिए है, और कुछ हिस्सा ऐसा है जो सारा मेरे बंदे के लिए है। कह दो सुभान अल्लाह। हम तो इसमें भी लड़ रहे हैं कि फातिहा पढ़ेंगे नमाज होगी नहीं होगी, इमाम के पीछे पढ़ेंगे नहीं होगी, हम हर जगह लड़ाई पे लगे हर जगह। ये कोई नहीं बताता कि फातिहा अल्लाह के गजब को रोकने वाली चीज है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह खुश होते हैं, हमीदनी अब्दी, ओ जिब्रील मिकाइल जी रब्बिजल, फरमाया सुन। अच्छा मजे की बात है, ये तारीफ सिखाई भी उसने खुद है, कह दो सुभान अल्लाह। ये कुरान है ना, कुरान में उतारी है ना, बंदों से कहा है मेरी तारीफ करो, इसलिए कि मैं तारीफों के लायक हूं, कोई और बंद कोई और जात तारीफों के लायक नहीं, मैं हूं। अब मेरी तारीफ भी ऐसे करो जैसे मैं कह रहा हूं। अर्रहमान अर्रहीम, अल्लाह फरिश्तों से कहता है देखो मेरा बंदा किस तरह मेरी बुजुर्गी को बयान कर, मालिक यौमिद्दीन आया है, जिब्रील मिकाइल जी रब्बे जलील, फरमाया देखो मेरा बंदा किस तरह मेरी बादशाही का इकरार कर रहा है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए मेरा जिब्रील जी रब्बे जलील,
ये एक आयत मेरे और मेरे बंदे के दरमियान में तकसीम है। पहले वाला मेरा था, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, ये मेरा हिस्सा है। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, ये मेरा भी है इसका भी है। कहो सुभान अल्लाह, ये मैं बाद में आता हूं, उसका क्या है तेरा क्या है। जब बंदा कहता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूब अलैहिम वलद्दाल्लीन, ए जिब्रील, ए मेरा मीकाईल, ए मेरे आसमान और जमीन के सारे फरिश्तों, गवाह हो जाओ ये सारा कुछ मेरे बंदे का है। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, बंदा बनसी तो देसा ना। अब ये हिस्से हो रहे हैं, कुर्बानी आ रही है, कुर्बानी नजदीक है ना, कहो बेशक आने वाली है ना। गाय में कितने हिस्से होते हैं, जोर से बोलो, अटते नहीं होते, पांच छह कितने होते हैं, सात। बकरे में, मुर्गी में नहीं होते, अंडे में, मेरे और आपके सबके नबी जोर से कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया जब जुमे वाले दिन सबसे पहले कोई बंदा मस्जिद में आता है, कुर्बानी के जानवर में तो सात बंदों का हिस्सा, इस अकेले को अल्लाह पाक गाय की कुर्बानी का सवाब देता है। कहो सुभान अल्लाह, गोया के अकेला, पहले तो कहा अकेला ऊंट की कुर्बानी का सवाब, गोया कि यह अकेला एक पूरा ऊंट कर रहा है। जो दूसरे नंबर पे आया गोया कि अकेला गाय कर रहा है। अच्छा जेड़ी तुसी ऐसी कुर्बानियां करने हैं अल्लाह कबूल कर ले, आमीन कह, अब ये पता नहीं कबूल भी होती है करते, इसलिए कि कुर्बानी के जानवर में वो भी हिस्सेदार होता है, पता ही नहीं होता, कादियानी भी हिस्सेदार बन जाता है। आपको पता होता है आपके साथ हिस्से वाला कौन है। एक बंदा शामिल हो गया तो सातों की गई, ऐसा बंदा अगर आ गया तो सातों की गई। लेकिन जुमे वाले दिन पहले आ गए तो ये पाक नबी का फरमान है, सच्चा है, पक्का है, ठक्का है, सोलह आने सच्चा है, इसकी कुर्बानी रहेगा नहीं, इसको अल्लाह पाक पूरे ऊंट और पूरी गाय का सवाब देगा। मैं कदे कदे हैरान होना भी तुहाडे च कोई बंदा नहीं होंदा जेड़ा जुमे वाले दिन आके मैं आज जाके कुर्बानी का सवाब गाय दी लाए, ऊंट की कुर्बानी का, आ एक बंदा पहले आ गया, ऊंट की कुर्बानी का सवाब मिल गया। तुसी सारे घड़ी देखते रहते हो, जिस वेले कारी साहब बस करन आलो सी एक बजे उस वेले जाइए, असी को वेले ना, तुसी वेले नहीं तो मैं वेला। अल्लाह के बंदो, ताली दोनों हाथ से बजती है, फ़ायदा दोनों लिया करें, मैं भी लिया करूँ। अच्छा फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चलते 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 एक बंदा आखिरे चाहता है, उसको मुर्गी की कुर्बानी का सवाब मिलता है, फिर को बंदा उससे भी आखिर में आता है उसको अंडे की कुर्बानी का सवाब मिलता है, फिर फरमाया एक वक्त ऐसा आता है जब दूसरी अजान शुरू हो जाती है, इमाम खुतबे को खड़ा हो जाता है, अल्लाह फरिश्तों से कहते हैं कुर्बानियों का रजिस्टर बंद कर दो, अब ये जो आया है ना, ए आया ना आया इको जे, वो पंजाबी में एक कहते हैं अन्नी पेके गई ना गई इको जे, अन्नी पेके गई ना गई, अंधी अगर अपने माँ बाप के घर जाए ना भी जाए तो एक जैसी है, इसलिए कि ना उसने अम्मा को देखना है ना अब्बा को देखना है,
जेड़े बंदे देर से आते हैं, जब इमाम खुतबा शुरू कर देता है वो अन्ना मसीती गया ना गया इको जया, अन्नी पेके गई ना गई इको जई। इयाक नअबुदु व इयाक नस्तईन पढ़ लो, सदके जाऊं अपने अल्लाह के, अल्लाह कहते हैं अद्दा तेरा अद्दा मेरा, हाय हाय हाय। छोटे बच्चे घर में चॉकलेट को तकसीम करते हैं, लड़ते लड़ते तो कहते अद्दा तेला अद्दा मेला, है ना भाई। अल्लाह पाक ने भी वंड के खाना सिखाया है, ये अल्लाह वंड रहे है। इबादत तू कर मेरी, मदद तेरी मैं करना, आए ना दोनों चीजों वंडने हैं। इयाक नअबुदु व इयाक नस्तईन, सर को तू झुका ले, तेरे सर को इज्जत देना मेरा काम, ऐसे तू कर ले, इन खालियों को भर देना मेरा काम होगा, ऐसे तू कर ले, तेरी खाली झोली को भर देना मेरा काम होगा, आंसू बहाना तेरा काम होगा, तेरे गुनाहों को इस आंसुओं के पानुओं से बहा देना मेरा काम होगा, मंगन तेरा काम हो सी, देना मेरा काम हो सी, सवाल करना तेरा काम हो सी, तेरे सवाल को पूरा कर देना मेरा काम होगा। इयाक नअबुदु व इयाक नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीन, पढ़ लो, अल्लाह के गजब को रोक दो, अल्लाह के गुस्से को रोक दो, आगे दीवार बन जा। आजकल आप और मैं सारे ये अल्लाह के जलाल के शिकार हो रहे हैं, ये परेशानियां जो है ना ये अल्लाह का जलाल है, जलाल की हवा चली हुई है, 6 महीने हो गए पता नहीं कब रुकेगी। लोग तो वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं ना, वो तो पता नहीं कब बनेगी, ये कब रुकेगी, हम इधर आए ही नहीं हैं। अल फातिहा तो तमना व गज़ब रब, फातिहा तेरे रब के गजब को रोक देती, वजीफा बनाओ, कोई तवीज की जरूरत नहीं, कोई नसल बजन की जरूरत नहीं अमलियात वालों के पास, अल्लाह तेरे पुठे कमों को भी सीधा कर देगा, अल्लाह तेरे बंद दरवाजों को भी खोल देगा, इसलिए कि दरवाजे बंद जब होते हैं जब अल्लाह का जलाल छाता है, और अल्लाह के जलाल को रोकने वाली चीज सूरह फातिहा। अल्लाह पाक आपको मुझे अमल की तौफीक दे, जिंदगी रही तो ये बातें चलती रहेंगी। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।